Assalamualaikum, welcome to cooking with Jia Naz, खाओ पियो जिंदगी जियो। उम्मीद करती हूँ मेरे बहन भाई साथ खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला उन्हें हंसता मुस्कुराता अपने घरों में इसी तरह बात रखे। जी आज आप देख रहे होंगे, वैसे तो यार थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, तो जी आज मैं बना रही हूँ छोलों की बिरयानी, यानी कि सफ़ेद चने की बिरयानी। तो ये किस तरह बनानी है, तो चलिए मिल के अपने किचन में चलते हैं और बनाते हैं तो ये बिरयानी मज़ेदार सी। लेट्स गो। छोलों की बिरयानी बनाने के लिए जो हमें चाहिए थे वो देख लें, यहाँ पर मैंने ये छोले ले लिए थे। इसको मैंने एक चम्मच सोडा में रात भर भिगो दिए थे और सुबह मैंने इसको वॉश करके वाला पानी फेंक के नया पानी इसमें डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया था। छोले आपके इस तरह से होने चाहिए, देखिए जैसे आप यूँ करो, ये छोले बिल्कुल आपके इस तरह के होने चाहिए, कच्चे पक्के नहीं होने चाहिए वरना वो मज़ा नहीं आता छोले की बिरयानी में। और यहाँ पर जो है मैंने ले लिया था, मैंने आधा किलो आलू ले लिए इस तरह से काट के, मैंने इसको धो लिया अच्छी तरीके से। आधा किलो ही टमाटर ले लिए इस तरह से गोल गोल काट लिए। दो भर के मैंने चम्मच लिए हैं अदरक लहसुन के। एक पाव मैंने दही लिया है। एक चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया, एक चम्मच पिसी हुई हल्दी और चार से पाँच अदरक मैंने कुटी हुई मिर्चों के चम्मच लिए हैं, क्योंकि मैं बिरयानी जो है घर के ही मसाले की बनाती हूँ और बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी बनती है। और यहाँ मैंने ले लिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और जो भगार में मेरा जाएगा, एक डली मैंने प्याज ली है भर के, एक चम्मच जीरा, यहाँ मैंने ले ली लौंगे ले लिए 8 से 9 अदद, दो बादियान के फूल, बड़ी इलायची दो, 3 से 4 अदद तेज़पात और 10 से 12 अदद काली मिर्ची। तो ये हमारी भगार में जाएगी। अच्छा जी, घी हमेशा याद रखिएगा, बिरयानी जो है घी में ज़्यादा मज़े की बनती है। तो यहाँ मैंने घी पहले से गर्म करने रख दिया था, ये जो मेरा भगार का मसाला है वो सब इसमें चला जाएगा और ये बहुत मज़े की बिरयानी बनती है। समझ लें जैसे आप बीफ की, मटन की, चिकन की बिरयानी बनाते हैं, सेम उसी तरह से इसका मेथड है, कोई चेंज नहीं है। तो बस इसमें यह है, बीफ नहीं डल रहा, चिकन नहीं डल रहा, मटन नहीं डल रहा, इसमें डल रहे हैं छोले। तो ये कहलाएगी छोलों की बिरयानी। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में थम्स अप का बटन दबाना ना भूलिएगा, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो जब हमारी प्याज लाल हो जाएगी तो हम इसमें अपना सारा मसाला डाल देंगे, लेकिन छोले हम नहीं डालेंगे। छोले जब हमारा मसाला भूनने वाला होगा हम एंड में डालेंगे। आप लोग प्लीज़ एक एक स्टेप फॉलो कीजिएगा, ताकि आप एक एक चीज़ जब फॉलो करेंगे आपको समझ में आएगा कि हमने इसमें क्या क्या डाला और किस तरह बनाया। अगर आप बीच में से स्किप कर देंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। अगर आप मेरे दिए हुए मेथड से बनाएंगे, रेसिपी से बनाएंगे, तो आप यकीनन बहुत ज़बरदस्त आपका ये जो बिरयानी है छोलों की, जो बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। तो समझ लें आपको एक बहुत ज़बरदस्त आज रेसिपी मिल रही है, वो भी घर के मसालों के साथ आप बड़े मज़ेदार सी बिरयानी बना सकते हैं। तो हमारी प्याज जैसी हो जाएगी तो हम इसके अंदर डाल देंगे अपना मसाला। अच्छा जी, यहाँ हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, और जो थोड़ी प्याज थी हमने ब्राउन करके पहले से निकाल ली थी, क्योंकि हम ये मिक्स बिरयानी नहीं, हम तय वाली बिरयानी बनाएंगे, तो वो मैंने निकाल ली थी। तो बड़े आराम से हम ये जो अपना मसाला है वो इसमें डाल देंगे सारा, और थोड़ा सा पानी डालेंगे जो हमारा मसाला इसमें रह गया है। अच्छा जी, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके, थोड़ा सा बस पानी डाला है मैंने इसमें, वो इसलिए कि जो मसाला मेरा रह गया था बॉल में वो भी इसमें आ जाए। तो हम इसको बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके ऊपर कवर कर देंगे। अच्छा जी, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ये घर के मसालों की बिरयानी बन रही है और आप इसका कलर देख सकते हैं। और यकीन करें आप एक दफ़ा इस तरह मेरी रेसिपी से जब बिरयानी बनाएंगे, आप बाज़ार की बिरयानी बिल्कुल भूल जाएंगे, ये बड़े मज़े की बनती है। तो अब जी हम इसको इतना कवर कर देंगे, जब हमारा मसाला भूनने आएगा तो हम इसमें डाल देंगे अपने छोले। तो अब हमने इसको कर देना है कवर, और आंच हम कर देंगे मीडियम, या ना ज़्यादा तेज़ और ना ज़्यादा कम। तो नॉर्मल हमने इसकी आंच कर दी है, और हम इसको देखिए तकरीबन 20 मिनट के बाद, अब मुझे 15 मिनट हो गए हैं, और माशाल्लाह से आप ये देख सकते हैं मसाले की शक्ल। इसमें इस स्टेज पे आके मैं क्या करूँगी, जो मेरे छोले हैं वो सब मैं इसमें डाल दूँगी, वो मैंने सब इसमें डाल दिए हैं।
और हम फ्लेम जो है फुल कर देंगे ताकि हमने सिर्फ इसको भूनना है। तो छोले मैंने इसमें डाल दिए हैं और फ्लेम मैंने फुल कर दी है और तकरीबन मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि हमारा जो मसाला है वो छोलों में भी एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसको मैंने 10 मिनट के लिए कवर कर दिया, 10 मिनट बाद देखेंगे। हमें हो गए 10 मिनट और आप ये देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट माशाल्लाह से, खुशबू पूरे घर में महक रही है। तो बस हम इस स्टेज पे आके इसकी जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे, बिल्कुल ऑफ कर देंगे। ये देखिए इस तरह का हमारा मसाला होना चाहिए बिल्कुल। तो बस हम ये कर देंगे चूल्हा बंद अपना, चूल्हा मैंने कर दिया बंद। अच्छा अब यहाँ जो जाएगा ना इसके अंदर वो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिरयानी का जो लज्जत है जो खुशबू है उसी से आनी है। तो जी ये है जायफल जावित्री का पाउडर जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं हमेशा ये पीस के अपने घर में रखती हूँ एनी टाइम, क्योंकि मुझे बाज़ार के मसालों की आदत नहीं है। तो आप भी ये घर में पीस के रखें। तो ये जो जाएगा इसमें एक चम्मच और ये दो चम्मच, इससे इसका पूरा फ्लेवर चेंज हो जाएगा। ये इसमें सिर्फ बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और क्या नाम है ज़ीरा और छोटी इलायची, जायफल जावित्री इसका ये पाउडर है। ये चूल्हा बंद करने के बाद हम इसमें डालेंगे और इसमें अब जो जाएगी यहाँ ये चार हरी मिर्चें, और मैं आपको बता देती हूँ तय के लिए मैंने क्या लिया। आप देख सकते हैं यहाँ तय के लिए मैंने पुदीना ले लिया, प्याज ले ली, और यहाँ पर मैंने आलू बुखारे ले लिए, बिरयानी का एसेंस ले लिया और जर्दे का रंग, ये तय में हम लगाएंगे। तो यहाँ हमारा मसाला तैयार हो चुका है, हम इसमें चम्मच चला लेंगे और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, मैं बता नहीं सकती इस वक्त इसकी खुशबू कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो और अब हम चलते हैं अपने चावल, चावल आई थिंक सबको ही बॉयल करने आते हैं। तो जी अब मैं अपने चावल बॉयल कर लेती हूँ, फिर हम लगाएंगे तय, फिर मैं आप दिखाती हूँ कि हम तय किस तरह लगाते हैं। ओके जी ये देखें हमने चावल बॉयल कर लिए और जिस भगोने में हमने बॉयल किए हैं हम उसी के अंदर तय लगाएंगे। चावल हमने अपने पिछाड़ लिए हैं और ये जो मेरा मसाला है इसमें जो घी है, तो सबसे पहले हम ये घी जो है इस भगोना बहुत गर्म हो रहा है तो हम पहले इसमें डालेंगे ताकि जो हमारा ऑयल है वो नीचे तक आए चावलों में, और अच्छी तरीके से हम इसको फैला लेंगे। और ये हमारे बॉयल राइस हैं, अब हम सबसे पहले इसमें चावल डालेंगे। और चावल आप जब भी बॉयल करो तो एक कनी उसमें छोड़ दो ताकि वो जो फिर हमारा मसाला है उसके अंदर हो जाएंगे अच्छे से। ये देखिए माशाल्लाह से कितने खिले खिले चावल लग रहे हैं मेरे, और अभी मज़ीद और खिल जाएंगे चावल। ये हमने चावल बिछा दिए, अब हम इसमें लगाएंगे तय। यकीन करें बिल्कुल जैसे देगी स्टाइल में बनते हैं उसी तरह बन रहा है। अच्छा जी इसमें जाएगा एक दो ड्रॉप बिरयानी का एसेंस, फिर जाएगा इसमें फूड कलर, फूड कलर को हम इस तरह खोल के डालेंगे, हल्का हल्का डालेंगे बस फूड कलर, आलू बुखारे। अच्छा आलू बुखारे ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं वरना कोई ज़रूरी नहीं है। और फिर ये हमारे पुदीना और प्याज, अब हमारा जाएगा इसमें मसाला। अच्छा जी हमने लगा दी, फिर उस तरह हम क्या करेंगे दोबारा से हम इसकी तय लगाएंगे और थोड़े से चावल हम बचा लेंगे अपने ऊपर डालने के लिए। भाई इसी तरह हमने रिपीट करना है सब चीज़ें। और थोड़ा सा पुदीना और प्याज हम बचा लेंगे ऊपर डालने के लिए। अब हम क्या करेंगे अपने जो हमने चावल बचाए थे वो भी हम यहाँ डाल देंगे। बहुत मज़े के और टेस्टी बनेंगे
बिल्कुल, आप ये इसमें जज नहीं कर सकते कि ये आपने घर में बनाए हैं या देख के। एसेंस जर्दे का रंग और अब हम क्या करेंगे, जो हमने प्याज और अपना पुदीना बचाया था वो ऊपर डाल देंगे, इस तरह से सारा डाल देंगे। इसको कर देंगे कवर और इसको हम तकरीबन 20 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। देखते हैं बिरयानी कहाँ तक पहुँची है और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि दम लग चुका है। वाओ, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त। तो हम इसको करते हैं डिश आउट। जी तो ये देख सकते हैं मज़ेदार सा छोलों का जो बिरयानी है, सॉरी, तो वो रेडी है यहाँ पर, मज़ेदार सी यमी यमी सी। और मैं तो खाने जा रही हूँ, तो जिस जिसको खानी जल्दी से किचन में जाए और बना ले ये रेसिपी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।